You're watching Exposed India. दिल्ली में ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन एवं नवीन पथ की ओर से एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में स्कूली बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों ने हिस्सा लिया। इस शिविर में प्राकृतिक आपदा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही आपदाओं से निपटने का प्रशिक्षण भी दिया गया। ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन एवं नवीन पथ द्वारा आयोजित किए गए इस शिविर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने भी शिरकत की। उन्होंने इस शिविर के आयोजन पर खुशी जाहिर की। ये डिजास्टर मैनेजमेंट में हर व्यक्ति, हर बच्चा जो स्कूल कॉलेज पढ़ते हैं, इन लोगों को आवश्यक अगर हमने इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम में अगर शामिल कर लिया तो जहाँ जहाँ भी ऐसी मुसीबतें आती हैं, आपदाएँ आती हैं, तो बिना किसी पुलिस के बल के पहुँचने के पहले हम उनको सेवा दे सकें, ऐसा हर व्यक्ति में है ज्ञान होना चाहिए। और इसलिए ऐसे कार्यक्रम को हम शुभकामना देना चाहते हैं। एनडीआरएफ के अधिकारियों का कहना है कि अगर हम प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूक रहते हैं तो काफी हद तक इससे होने वाले जान माल के नुकसान को रोका जा सकता है। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इज अ डेप्यूटेशन फोर्स। वी गेट पर्सनल फ्रॉम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी एंड एसएसबी। सो दीस पर्सनल द सोल्जर्स हु हैव बीन इंडक्टेड टू द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स are vigorously training disaster management and response building. प्राकृतिक आपदा से निपटने के आज कई उपाय हैं, लेकिन उनकी जानकारी होना जरूरी हो जाता है। कार्यक्रम में मौजूद रहे बीएसएफ और पुलिस के अधिकारियों ने भी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर अपनी बात रखी। हम आर्मी के साथ कश्मीर में गार्डिंग करते हैं और उसके बाद वो अपना वो दे रहे हैं जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इन सबको केवल बीएसएफ गार्ड करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि बीएसएफ इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये सुरक्षा की पहली पंक्ति है। ओके सर, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेली पुलिस टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सर, अंडर द एबल गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल मिनिस्टर, डेली पुलिस इज कमिटेड टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द सिटीजंस ऑफ डेली, इस मौके पर ग्लोबल इंडिया फाउंडेशन एवं नवीन पथ के चेयरमैन नवीन कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किए। 700 करोड़ की आबादी में केवल 49 लाख लोग ऐसे हैं जो केवल आपदा प्रबंधन में निपुण हैं, जिनको प्रशिक्षित है, केवल 49 लाख 700 करोड़ की आबादी कैसे संभव होगा। और जबकि हमारे आसपास के देश, पड़ोसी देश में कई सारे ऐसे मित्र देश हैं जो मित्रता का भाव नहीं जानते, वो ना जाने हर समय धमकी और क्या क्या काम करते रहते हैं सब जानते हैं। ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को निपुण होने की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है, हर नौजवान को प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है। ग्लोबल इंडियन फाउंडेशन और नवीन पथ के जितने साथी हैं, जो हमारे जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो इस कार्य में लगे हैं, निश्चित तौर पर उनके दिशा निर्देश में जो मुझे दायित्व मिला उसका निर्वाह करते हुए मैं सीख भी रहा हूँ और कोशिश करता हूँ आप सब ऐसी समर्थन सहयोग देंगे और हम हमारी संस्था दिन दूनी रात चौगुनी कोशिश और प्रगति करते हुए देश के हर नौजवान को शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें। 125 करोड़ की आबादी वाले भारत में महज 50% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास प्राकृतिक आपदा से निपटने की जानकारी है। एनडीआरएफ के जरिए चलाए जा रहे इन कार्यक्रमों का मकसद आपदा के प्रति ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना है। कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे एसएस अग्रवाल, स्कूल प्रिंसिपल कुणाल गुप्ता, टीपी सिंह, एसएल गुप्ता, किशोर मनिहाल, कमल जैन, नील कमल गुप्ता सहित लोगों ने भी बच्चों को आपदा से निपटने के गुर सिखाए। दिल्ली से एक्सपोज इंडिया के लिए कैमरामैन रुद्र के साथ अभिषेक त्यागी की रिपोर्ट। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।